ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, आज श्री साई सचरित्र का अध्याय 23 का पठन होगा। आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि यह अध्याय हम सब के लिए मार्गदर्शन करे और सबके चित्त में उतरे। आइए अध्याय 23 का पठन करते हैं। योग और प्याज, श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति, विशुचिका यानी हैजा निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा, प्रस्तावना। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुणमय यानी तीन गुण अर्थात सत्व रज तम है, तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूँ, और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक यानी सोहम हूँ। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक दासोहम हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं और ना हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतरीण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आ जाते हैं। योग और प्याज। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहेब चंदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजल योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यावहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र ना हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि ना लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहेब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने श्री साई चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदि लेकर वह शिरडी से चला गया। आगे पढ़ते हैं, श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमाडपंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बद्ध हैं।
एक शरीर में तो दूसरा पिंजड़े में। दोनों ही अपनी बद्धावस्था को श्रेष्ठकर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मिरिकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृंद, अब उसी प्रकार की एक और कथा श्रवण करें। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंत्यकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ा अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान, कृतघ्न बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता हैं, और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपनी जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो, मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह इच्छा अनुसार भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और ना शयन करें। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदेशों का अक्षरांश पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष ना फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि मायायुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय में ध्यान करो। अब आगे जानते हैं हैजा महामारी यानी विषूचिका। एक बार शिरडी विषूचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में ना आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि ना दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता ना की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं बाबा के पास पहुंच गया, तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूंचपाट तक भी ना कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने वह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी, उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता ना थी।
गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति ना की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना ना थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण ग्रस्त का सा उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब आगे जानते हैं गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश को भी बाबा ने क्या दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने लाया गया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनकी दाहिनी ओर बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते थे और फिर बाबा को देते। बाद में अन्य भक्तों को जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता, तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिने ओर बिठाते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर अस्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो था, परंतु उसको कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़े से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में बलिकृत्य जानते ही ना थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा फेटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहेब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर श्री हेमाडपंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं, पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए
भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु, शुभम भवतु, ओम साई राम।